नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम के ज्ञान। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ। आज का टॉपिक है दोस्तों, आपका आधार कार्ड का एड्रेस जो है कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड का एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं बिना डॉक्यूमेंट के। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे गूगल में UIDAI., जो हमारे आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर क्लिक करते ही हम पहुँच जाएंगे उनके वेबसाइट में। तो आप सबसे नीचे जहां आपको दिख रहा है अपडेट आधार, वहां आपको थर्ड नंबर में अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन, आप ऑनलाइन चेक कर अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हो। दोस्तों, एक साल पहले आप मोबाइल नंबर, फ़ोटो, अपना नाम चेंज कर सकते थे, मगर आप सिर्फ आधार कार्ड में अपने एड्रेस चेंज कर सकते दोस्तों बिना डॉक्यूमेंट के। आज कैसे बताता हूँ, आप पूरी वीडियो देखते रहिए। जो सबसे पहले हम नीचे रिक्वेस्ट एड्रेस और वैलिडेट लेटर में क्लिक करेंगे, ऊपर वाले पे लिंक, नीचे वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर डालना है दोस्तों, आधार नंबर डाल के जो कैप्चर कोड दिया है, कैप्चर कोड डाल के सेंड OTP करना है। फिर आपके पास एक OTP आएगा दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊंगा दोस्तों। और आप जिसका एड्रेस करवाना चाहते हैं तो उस वहाँ जो आपका मकान मालिक हो सकता है या रिश्तेदार हो सकता है या दोस्त हो सकता है, तो आप उनकी सहमति से उनका आधार नंबर और उनके आधार में मोबाइल आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए दोस्तों। उसी के OTP के थ्रू आपके और उनके दोनों उनके एड्रेस आपके एड्रेस पे आपके आधार कार्ड के सर्वे पहुंच जाएगा दोस्तों। तो जैसे ही आपने आधार नंबर डाला, अपना कैप्चर कोड डालते ही आपके पास OTP आएगा। तो यहाँ जैसे OTP आया दोस्तों, जैसे यहाँ आ गया 133715, जैसे यहाँ पर आपका OTP आएगा, यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद जो दूसरा स्टेप आएगा वो आपका, फिर जो आपके आधार में चेंज करना है एड्रेस, उसका आधार कार्ड का नंबर वो यहाँ आपको टाइप करना। जैसे वो आपका मकान मालिक से भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है या रिश्तेदार भी कोई हो सकता है, तो आप उनका आधार कार्ड का नंबर यहाँ टाइप करोगे और यहाँ आप उसका सबमिट कर दोगे। तो उनके आधार कार्ड में नंबर ऐड होना चाहिए दोस्तों, तभी ये सारी प्रोसेस हो सकती है। और आपके आधार कार्ड में भी आपका नंबर ऐड हो सकता है, नहीं है तो आप आधार केंद्र में जाके अपना आधार नंबर ऐड कर सकते हो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में। और फिर जो आपके दोस्त या आपके मकान मालिक या रिश्तेदार जो भी आपको उन एड्रेस में करना है, उनकी आपको आधार नंबर यहाँ चाहिए होगा दोस्तों, इस स्क्रीन पे जो है उनका डालना है, तो आप उनका आधार नंबर डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो उनके वहाँ पर एक OTP आ जाएगा। उसके बाद OTP आने के बाद उनके पास एक लिंक भी आएगा, तो आपको उनको बोलना है, जैसे यहाँ स्टेप देख रहे हैं, फिर उनके पास उनका आप आधार नंबर डालेंगे, उनके पास उनको सबमिट कर देना है। उनके पास फिर OTP आएगा, उसी OTP में एक लिंक भी आएगा, तो उस उनके फ़ोन में आपको बोलना है कि उन लिंक पे उससे क्लिक करें। वो वहाँ लिंक में उनके क्लिक करेंगे और जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक SRR नंबर आ जाएगा, आपके फ़ोन में आएगा दोस्तों। वो SRR मतलब सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आएगा आपके पास, वो आपको नोट कर लेना है। उसके बाद ही मकान मालिक के OTP लिंक आएगा, मकान मालिक पे जैसे ही OTP आएगा, उसे क्लिक करने के बाद उनको बोलना है उस लिंक पे क्लिक करें। जैसे वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप फिर ये वेबसाइट को दोबारा ओपन करना UIDAI में, उसके बाद ऑनलाइन चेक पे दोबारा क्लिक करना है आपको, क्योंकि ये सारी प्रोसेस हो जाएगी उनके OTP आने के बाद। उनके बाद लिंक आएगा, वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर चेक ऑनलाइन एड्रेस जो चौथी वाली लाइन है उस पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर दोबारा से डालना है, और URN नंबर तो आपके पास है नहीं, तो मान लो जो यहाँ पर आपका आधार नंबर है, URN नंबर आपके पास है नहीं, तो SRR नंबर आपके पास आ जाएगा। जैसे ही उनका आपका फ़ोन में OTP आएगा और लिंक आएगा, वो लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक SRR नंबर आ जाएगा, जिसे कहते हैं सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो वो SRR नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद कैप्चर कोड डाल के, जो यहाँ दे रखा है हमारे पास कैप्चर को, समझ में नहीं आता तो आपको यहाँ जो ब्लू दिख रहा है वहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ कैप्चर को काट के कैट सबमिट में करना है। तो जैसे ही वो सबमिट कर देंगे तो आपके पास वो उनका एड्रेस आ जाएगा इस स्क्रीन के बाद। जैसे नेक्स्ट स्टेप होगा वो एड्रेस आ जाएगा, आपको वहाँ करेक्ट करना है। तो जैसे करेक्ट कर दोगे वो सबमिट हो जाएगा। 10 या 20 दिन बाद आपको एक लेटर आएगा, जिसे लेटर कहते हैं, उसमें कोड आएगा। तो आपको फिर 10-20 दिन के बाद जो प्रोसेस है, जो रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडिटी लेटर है, उसके ऊपर जो है अपडेट आधार, वहाँ क्लिक करना है दोस्तों। 10-15 दिन बाद आपको लेटर आ जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। उस लेटर के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है अपडेट आधार पर। तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है, लॉगिन करना है यहाँ से। जैसे आप यहाँ आधार नंबर डालोगे, फिर आपको यहाँ OTP डालना है।
तो जैसे ही मेरा ओ टी पी आ चुका है ऊपर तो मैंने डाला, उसके बाद हमें यहाँ लॉगिन कर देना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपका अपडेट रिक्वेस्ट, डाटा अपडेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले लिखा हैव एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर आपको करना नहीं है, हैव एड्रेस दूसरे वाले पे करना है आपको, हैव एड्रेस वैलिडेटर लेटर, क्या लेटर के थ्रू है तो लेटर पे क्लिक करके फिर जो लेटर पे आपको कोड आएगा तो यहाँ कोड आपको वो टाइप करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको कोड डाल करके वेरीफाई कर देना। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक।